देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब आप होशे 4 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, कहता मेरी ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के लिए मैं अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता शैतान की वजह से प्रजा नाश नहीं हो रही। आज लोगों की जिंदगी से शैतान जाता नहीं, क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो शैतान को महिमा देते हैं। ओ ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 20 साल से है, ओ ये जादू टोना मेरे जीवन में 10 साल पहले का है, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी। परमेश्वर ने बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई। जब भी उसने ये लिखा कि मेरी प्रजा नाश हो गई, कहता ज्ञान ना होने की वजह से। वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी अगर तुझे धार्मिकता चाहिए, परमेश्वर के सामने तू धर्मी होना चाहता है, तो मन से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है। लेकिन उसने ये कहा अगर तू उद्धार चाहता है तो तुझे मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। उद्धार कौन सा? मैं आपको यह सिखा चुका हूं कि बाइबल सिर्फ आत्मिक उद्धार के बारे में बात नहीं करती, बाइबल सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं करती। उद्धार का मतलब शारीरिक उद्धार भी है। सबसे पहला उद्धार और इंपॉर्टेंट उद्धार आत्मा का, अनंत जीवन को तुम पाओगे जब तुम प्रभु यीशु मसीह को मुंह। उद्धार आता है परिवार का, उद्धार आता है फाइनेंस, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर तुम ये अंगीकार कर रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 35 साल से है, तो तुम अंगीकार कर रहे हो। अगर अंगीकार करने से तुम्हारी हीलिंग हो सकती है, तो अंगीकार करने से शैतान भी तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। अगर अंगीकार करने से तुम्हारे जीवन में छुटकारा आ सकता है, तो अंगीकार करने से तुम्हारी जिंदगी में बंधन भी आ सकते हैं। तो अंगीकार क्या करना है? वो जो तुम देख रहे हो, इसलिए आदम और हवा बेवकूफ बन गए। शैतान ने कहा देखो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, फल वाकई में बहुत सुंदर था खाने के लिए। या वो ये सोचते कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, जो हमें परमेश्वर ने कहा है वो सच है, जो हम देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि फीलिंग्स हमेशा शैतानी होती, शारीरिक होती, परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, इसलिए बाइबल कहती हर एक भावना को वचन से कैद करके ही तुम परमेश्वर में गहरे में जा सकते हो। जब परमेश्वर ने कहा पतरस गहरे में जा, तो परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है कि अगर तू ज्ञान की गहराई में जाएगा तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा जो नॉर्मल नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर के भवन को देखेंगे, जब पुराने नियम का भवन होता था तो उसमें 3 स्टेप होते थे। एक बाहर का कोर्ट जहां पर हाथों और पांव को धोते थे, यानी अपने गुनाहों को माफ करना। फिर अंदर का पवित्र स्थान, अंदर के पवित्र स्थान के बाद तीसरी फोटो आती थी, तीसरी जगह आती थी परम पवित्र स्थान। जो परम पवित्र स्थान आप अपनी स्क्रीन के सज्जे हाथ देख रहे हो, इस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने मन्ना रखने को भी बोला था। लेकिन अगर आप उससे पीछे की जगह पे जाओगे तो वहां भेंट की रोटियां पड़ी होती थी पवित्र स्थान में। तो 2 तरह का खाना पड़ा है, एक रोटी पड़ी है और अंदर एक मन्ना पड़ा है। रोटी जानी जो वो आपने बनाई है, मन्ना जानी जो परमेश्वर ने बरसाया है। एक क्रिश्चियन 2 तरह की जिंदगी जी सकता है। आप रेगुलर से क्रिश्चियन हैं,
कभी प्रेयर कर ली, कभी छोड़ दी, कभी गहरे में चले गए, कभी पार्टी में चले गए, कभी चर्च चले गए। आप एक अच्छे से क्रिश्चियन हैं, गुड गुड से क्रिश्चियन हैं, यानी अभी आप परम पवित्र स्थान में नहीं पहुंचे हैं। परम पवित्र स्थान में जो चीज थी वो मन्ना था, वो मन्ना जो खुद परमेश्वर ने